आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों पर। आज कठुआ के अंतर्गत हीरानगर में सारी पार्टियों द्वारा एक जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसकी अध्यक्षता म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन विजय शर्मा द्वारा की गई, जिसमें प्रशासन प्रबंधक डीसी कठुआ के खिलाफ नारेबाजी की गई और केंद्र शासित राज्य प्रशासन का पुतला जलाकर सारी पार्टियों और आम लोगों ने नारेबाजी कर अपना रोष प्रकट किया। ये प्रदर्शन हीरानगर को बॉर्डर लिस्ट से बाहर किए जाने पर हुआ। लोगों का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर हमने पहले ही एसडीएम हीरानगर द्वारा डीसी कठुआ को एक ज्ञापन भी सौंपा था, जिस पर डीसी कठुआ ओपी भगत ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर इसके बाद भी डीसी कठुआ कोई ठोस कदम नहीं उठाते तो मजबूरन उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर प्रदर्शन करना पड़ेगा। म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन विजय शर्मा, रोमेश कुंडल, भारती शर्मा, नीटू शर्मा, बॉबी जसरोटिया, परवीना देवी, सुनीता देवी आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज। देखिए, एलओसी की तरफ पर हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, केंद्र सरकार ने उसको भी वैसे ही फैसिलिटी दी है। इस प्रकार से एलओसी एक गांव में रहने पर लोगों को मिलती है। 6 किलोमीटर का जो एक पैरामीटर फिक्स किया है, उसका पीछे जिन्होंने ये कमेटी बनी थी सी लेवल पर, उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की है उसमें हीरानगर जो तहसील है इसमें 18 गांव जो है उन्होंने उसकी लिस्ट जो है एस डी एम साहब ने उसको डी साहब को सबमिट की थी। और ये इसका कारण हमें नहीं पता चल सका कि डी सी कठुआ ने बिना किसी जांच के, बिना किसी रीजन के, बिना किसी राज्य के हीरानगर को, जैसे वो दूर से बाहर को निकालते हैं उसको वहाँ से निकाल दिया गया, तो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट गांव की उसको फर्दर सबमिट किया। और कल जो हमने देखा कि उसकी जो एस डी साहब डी काम साहब ने गवर्नमेंट को उसको सबमिट किया ताकि वो अप्रूव हो सके, तो लोगों में ये रोष है। जब ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है 6 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले जितने भी गाँव हैं उनको ये फैसिलिटी मिलेगी, जब हीरानगर भी उसमें पड़ता है उसको क्यों नहीं। यहाँ तो ठीक है, अगर बॉर्डर पार होता हम 2-2.5 किलोमीटर के दायरे में जो गाँव रहते हैं, जो अफेक्टेड होते हैं, जो लोग परेशान रहते हैं उनको मिलते, हमें कोई उसमें इतराज नहीं था, वही बेसिकली इसके हकदार थे। पर जब सरकार की तरफ से एक पॉलिसी बन गई है कि 6 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले जितने भी गांव उनको फैसिलिटी देनी है, बाकी गांव को आपने उसको इंक्लूड कर लिया, सलारपुर को इंक्लूड कर लिया, जांडी को कर लिया, कटहर को कर लिया, वो बहुत सारे दीगर गाँव उनको इंक्लूड कर लिया, तो हीरानगर को क्यों छोड़ दिया। ये तो 5-5 उसमें आता क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी कि जी साहब खुद ही बता सकते हैं, हम तो हमें तो कोई और उसमें इस बारे में सरकार से कोई बात हुई हो आपकी? सरकार के तो हमसे कोई बात नहीं है, हमने चूंकि डीसी जो हमारा कठुआ का जो सबसे बड़ा ऑफिसर है, जो डिस्ट्रिक्ट से डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर है, उससे पहले 3 को जाकर हमने अपना मेमोरेंडम दिया था और आज तक उन्होंने कुछ किया नहीं उस पर, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे हैं, और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। आगे जाते द्वारा उन्होंने 10-15 निकाला, 2-3 दिन के बाद लिस्ट फाइनल हो जानी थी, तो इसलिए हम लोगों ने ये कल फैसला किया। ऑल पार्टी जो एक हमारा ये फोरम बना है, इसमें हमारे एडवोकेट्स भी हैं, इसमें एनजीओज भी हैं, सामने ये फैसला लिया कि आज जो है हमारा एक प्रोटेस्ट है, इसमें व्यापार मंडल के लोगों ने हमारा सहयोग किया है, उसको अपने दुकानों को बंद रखा है, हमारी कोर्ट में हमारे वकीलों ने अपना काम जो है इसको बंद रखा है, बाकी लोग जहाँ पर आकर जो हमने प्रोटेस्ट किया है, अपनी मांग जो है इस धरने के माध्यम से सरकार तक पहुँचाने का हमने जो एक काम किया है, तो हम तो उम्मीद करते हैं कि सरकार जहाँ जो प्रशासन है इसका संज्ञान लेगा, अगर नहीं लेंगे तो फिर इसके जो परिणाम होंगे वो उसको भुगतने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। शाम को हमारी 4:30 बजे मीटिंग है और जहाँ का जो युवा वर्ग है तो बड़ा भड़का हुआ है, उनको लगता है आगे ही नौकरी है। किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इतने एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, नौकरियाँ मिल नहीं रही हैं, अगर रिजर्वेशन की फैसिलिटी है तो इनको क्यों नहीं, इतना हमारा मुतालबा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज। आप हमारा फेसबुक पेज ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।